जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इससे पहले बीएसपी पार्टी ने गाजियाबाद से अंशय कालरा को टिकट दिया था, लेकिन सोमवार को आज पार्टी ने इस सीट से अंशय कालरा की जगह ठाकुर नंद किशोर पुनीर को उतारा है। जिला अध्यक्ष दयाराम सेन ने इसकी पुष्टि की है। बीएसपी के नंद किशोर पुनीर की टक्कर अब भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग और कांग्रेस के उम्मीदवार डॉली शर्मा से होगी। बीएसपी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी 7 अप्रैल को गाजियाबाद में रैली को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। बीएसपी पार्टी ने नंद किशोर को टिकट दिया है। नंद किशोर ठाकुर जाति से आते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर समाज से आने वाले बीके सिंह का टिकट काटकर वैश्य समाज से आने वाले अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है, जिसके बाद ठाकुर समाज के कुछ संगठनों ने बीजेपी के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया था और ठाकुर समाज के कुछ संगठनों ने बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करने की घोषणा की थी। इसका मतलब ये है कि ठाकुर समाज चाहती है कि हमारी समाज का कोई कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े। अब इसी माहौल को भांपते हुए बीएसपी पार्टी हाईकमान ने यहाँ से अंशय कालरा का टिकट काटकर ठाकुर नंद किशोर को मैदान में उतारा है, जिसके बाद ठाकुर समाज का भी विरोध खत्म हो जाएगा। इसी तरह बीएसपी पार्टी ने मथुरा सीट से वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत उपमन्यु का टिकट काटकर सुरेश सिंह को मैदान में उतारा था। मथुरा में जाट समाज को लेकर फैसला किया था और इसकी पुष्टि मथुरा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह ने की थी। बीएसपी पार्टी के अलावा और भी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं। जिस लोकसभा सीट से जनता की मांग होती है, उसी मांग को देखते हुए प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। अब बीएसपी पार्टी ने जो नए उम्मीदवार हैं नंद किशोर, वो मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पहले नंद किशोर बीएसपी प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरनगर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ बीएसपी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। अब बीएसपी पार्टी ने उन्हें गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। उम्मीद है लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें वोट दें। थैंक यू।